हेलो माय डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल टूडेज डेट इज ट्वेंटी एट नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर क्लास फोर बुक द ग्रामर राइट बुक माय डियर स्टूडेंट्स आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क सो प्लीज ट्राई टू राइट दिस क्वेश्चन इन होमवर्क कॉपी एंड सॉल्व इट विद करेक्ट आंसर हम चाहते हुए क्वेश्चन को आप अपना होमवर्क कॉपी में कॉपी करें और सही आंसर लिखते हुए आपसे सॉल्व करने की कोशिश करें ओके सी इंसर्ट कॉमास एट द राइट प्लेस यहाँ पे बोला गया है कि आपको सेंटेंस दिया गया है और यहाँ पे कोमाज नहीं लगाया गया तो आपको सही जगह कोमा लगाते हुए आपको इसे दोबारा लिखना है ठीक है नंबर वन सिंगिंग डांसिंग एलुक्यूशन एंड पेंटिंग आर सम ऑफ द एक्टिविटीज वी डू एट स्कूल तो यहाँ पे सही जगह कोमा किस प्रकार से लगेगा सिंगिंग कोमा डांसिंग कोमा एलुक्यूशन कोमा एंड पेंटिंग आर सम ऑफ द एक्टिविटीज वी डू एट स्कूल ओके नंबर टू ग्रैंडफादर फादर वॉज द वेजिटेबल कट देम मेड सम सूप एंड बेक सम ब्रेड तो यहाँ पे सही जगह कोमा कहाँ लगेगा ग्रांड फादर वर्स्ट द वेजिटेबल्स कोमा कट देम कोमा मेड समा एंड बेक सम्रेड नंबर थ्री आई पेंटेड ब्लू स्का रेड पॉपीज एंड येलो सनफ्लावर्स यहाँ पे सही जगह कोमा कहाँ लगेगा आई पेंटेड ब्लू स्काय कोमा ग्रीन ग्रास कोमा रेड पॉपीज कोमा एंड येलो सनफ्लावर्स ओके नंबर फोर डेजी डेकोरेटेड हर आर्टवर्क विद रेड व्हाइट एंड ग्रीन बीड्स daisy decorated her artwork with red comma, white comma, and green beads number five grandmother tells us stories that are long exciting and funny grandmother tells us stories that are long comma, exciting comma, and funny number six although joe had eaten three slices of cake she wanted one more although joe had eaten three slices of cake comma, she wanted one more to this prakar saapu sentence ko और जहां पे आपको लगता है सही जगह में कोमा लगा के आपको इसे सॉल्व करना है ठीक है तो प्लीज राइट राइट आंसर करेक्टली थैंक यू